सोलो डांस प्रस्तुति कोमल भारद्वाज सीआरए कॉलेज, हमारा कॉलेज इस संस्था का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज उसकी तरफ से। सीआरए कॉलेज के स्टाफ में त्यागी जी की ड्यूटी आपके सामने प्रस्तुत करते हुए एक प्यारा सा छोटा सा गीत जाट में मैं प्यार करूँ।
इसका हौसला बढ़ाए। Thank you.
बच्चों।
जोरदार तालियां हो जाए। थैंक्स बच्चे। है इसकी जो नींव थी वो 2022 में डाली गई थी ताकि जल्दी से जल्दी समाज हित में, समाज के लिए एक और संस्थान सेवा में उपस्थित हो, इसीलिए आज इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और हमारी गुजारिश है और संस्था का ये जो प्रयास है कि एक ही प्रांगण में आपको विदित ही है, मान्यवर आपको सबको अच्छे से ये जानकारी है कि इसी संस्था के द्वारा बॉयज कॉलेज, सीआरए कॉलेज, टीकाराम एजुकेशन कॉलेज, बीएड कॉलेज जिसको बोलते हैं, हमारा जो स्कूल है सीआरजेड जमींदार स्कूल, टीकाराम गर्ल्स कॉलेज और टीकाराम कन्या स्कूल, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से चलाए जा रहे हैं। और प्रयास ये है इस संस्था का कि भाई एक ही प्रांगण में बच्चे को कहीं दूर ना जाना पड़े, हर तरह की शिक्षा उसको एक ही प्रांगण में, एक ही पेड़ की छांव में मिलती रहे, उसी में ये प्रयास है द गर्ल्स मॉडल स्कूल, जो पूर्ण रूप से केवल कन्याओं के लिए रहेगा। हॉस्टल की सुविधा भी इसमें दिलवाई जा रही है, तो बाकी आप सब देखेंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग करेंगे इस सफलता को, आप आनंद ले इस सफलता का, इस एक और कड़ी का जो आज शुरू हो रही है। अगली प्रस्तुति छोटूराम आर्य कॉलेज, सीआरए कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा हरियाणवी धमाल, जो हरियाणवी संस्कृति को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बोर्ड संस्था के पूर्व प्रधान प्रेमत्री जी हमारे बीच मौजूद है, आपका स्वागत है श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच गए हैं। जैसा मैंने बताया था कार्यक्रम अनुसार, पहले श्रद्धे चौधरी टीकाराम जी और चौधरी ओम प्रकाश जी के जो स्टैचू सम्मान स्वरूप बनाए गए हैं उनका अनावरण करने के लिए वो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ बामुश्किल 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। अगली प्रस्तुति सीआरए कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और हमारे मुख्य अतिथि हमारे मध्य आ गए हैं। इस संस्था के पालनहार चौधरी टीकाराम जी, चौधरी ओम प्रकाश जी के स्टैचू का अनावरण उनके करकमलों द्वारा हो रहा है। ये संस्था जिसका नाम जो है वो 90 साल से गूंज रहा है और चिरस्थाई मेरी कामना है ये रहेगी और आगे भी आपकी सेवा में ये संस्था ऐसे ही कार्य करती रहेगी। कि ये लगभग 1.5 साल में पूरा हुआ है, नर्सरी से लेकर के और 12वीं तक के CBSE एफिलिएशन का शिक्षा का इसमें प्रबंध किया गया है। 33 क्लासरूम्स हैं, 5 लेबोरेटरीज हैं, एक्टिविटी रूम है, लाइब्रेरी है और सभी लेबोरेटरीज AC फिटेड हैं, यानी कि वातानुकूलित हैं। और जो हमारे बुजुर्गों ने जो एक नींव रखी थी उसमें एक आशीर्वाद जो था उसका स्वरूप है ये, उस आशीर्वाद का परिणाम है ये, जो आज हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि एक समय में हम
एक बार में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। 3 मंजिली इस भवन में 70,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। जो आप ग्लास देख रहे हैं डीजीबी ग्लास है, किसी प्रकार की रोशनी, ज्यादा तापमान या कम तापमान का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। साथ साथ में लड़कियों के लिए समय अनुसार छात्रावास की व्यवस्था भी की जाएगी और तीनों ही ब्रांच आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी उनकी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो लैब रूम चाहिए, वो आज की तारीख में तैयार है। आप सभी से अनुरोध, जैसा कि संस्था को आपका स्नेह मिलता रहा है, अपने इस नए पौधे को भी अपना आशीर्वाद जरूर दें। संस्था के ऊपर जो आपने विश्वास आज तक रखा है, कायम किया है, उसको जारी रखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, बच्चियों को, बेटियों को हम एक आधुनिकतम सुविधा दें, आधुनिकतम शिक्षा का प्रावधान करें और उसी अनुसार उन्हें वो मौका दें। ये हमारी इच्छा है, हमारे अनुरोध है। दूध नहीं का खाना,
सारे काम देखियो हो खेल खिलाड़ी कुश्ती दंगल किसान देखियो ये जिन ते मिलके बना हरियाणा हरे काम देखियो हरे काम देखियो ओ हरे काम देखियो Thank you.
लक्ष्मी मांगे जान मेर सिंह, ये कवि मारे हरियाणा के, दयाचंद हरियाणे की शान पाछे, लखपत कायो ज्ञान ले सुर में बाबा, ओ ले सुर में प्रस्तुत किया और मुख्य अतिथि हमारे समक्ष हमारे प्रांगण में आ चुके हैं। मेरी गुजारिश रहेगी जब वे इस पंडाल में आए तो आप लोग खड़े होकर उनके स्वागत में और तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। कुछ ही क्षणों की देरी है, मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, आज के मुख्य अतिथि, जिनके कर कमलों द्वारा आज द गर्ल्स मॉडल स्कूल टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी का एक और मील का पत्थर जो प्रमाणित होने जा रहा है आज से आपके महिला विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर भारत की पहली संस्था थी। महिला मेडिकल कॉलेज जो कि उत्तर भारत की पहली संस्था थी, आज उस संस्था में से 12 बैच निकल चुके हैं और हजारों हमारी बेटियां भारतवर्ष में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता का सशक्त लाभ उठा रही हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए 2012 में जो एक विचार था उससे पहले आया कि लड़कियों की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि हॉस्टल्स की व्यवस्था आम देहात और आम आदमी के लिए महंगी पड़ती है, इसलिए टीकाराम शिक्षा समिति ने फैसला किया और वह हरियाणा का एक पहला मात्र फैसला था। उन दिनों चौधरी ओम प्रकाश दहिया जी संस्था के प्रधान थे। हमारे गर्ल्स कॉलेज में हमारी जो बेटियां थी वो आने जाने की समस्या से बड़ी दिक्कत में थी। एक बस का बेड़ा शुरुआत की गई और सोनीपत जिले के लगभग बड़े बड़े स्थानों तक उसमें उन बसों की व्यवस्था की गई, जिसका परिणाम ये रहा आज हमारे टीकाराम कन्या महाविद्यालय में 2500 छात्राएं अध्ययनरत हैं। और इसी प्रकार से समय की मांग के अनुसार टीकाराम शिक्षा समिति ने अपने दृष्टिकोण में विस्तार करते हुए 2012 में CBSE से रिलेटेड टीकाराम मॉडल स्कूल की स्थापना की। अगस्त 2017 में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसके सीनियर विंग की आधारशिला रखी थी और उसमें भी आज 16 बसेस आसपास के इलाकों में जाती हैं। संस्था के पास आज 30 बसें हैं जो कि इलाके के सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर बस व्यवस्था का सुविधा प्रदान करती हैं, जिसके कारण इन संस्थाओं में आने वाले विद्यार्थियों को हर प्रकार से सुनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ है। 2012 में जिस स्कूल की विंग की हुड्डा साहब ने उद्घाटन किया था, आज उस स्कूल में 2000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सिर्फ 12 साल के छोटे से अंतराल में ही इस स्कूल के विद्यार्थियों ने हरियाणा में अपनी एक पहचान बनाई है। ये सब आपके स्नेह और आशीर्वाद की वजह से हुआ है। अभी आज जिस भवन का जो ईंट शीशे का भवन शिक्षा समिति ने बनाया था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे सुयोग्य और दूरदृष्टिता वाले एक जन नायक ने, जन नेता ने
माँ सरस्वती के आगे दीप जलाकर एक हवन यज्ञ का अपने आप में एक संपूर्ण किया है। और ये गर्ल्स मॉडल स्कूल जिसका नाम रखा गया है, हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और आने वाले समय में इस स्कूल में हमारी बेटियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी हमारी शिक्षा समिति टीकाराम शिक्षा समिति करने जा रही है। मैं आपके समक्ष संस्थाओं के बारे में सिर्फ एक लाइन जरूर बोलूंगा, 10,000 विद्यार्थी, 500 स्टाफ और 3,000 के करीब जो हमारे आम सदस्य हैं, हमेशा अपनी संस्था के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। आज आपकी संस्था में 7वीं संस्था का उद्भव हुआ है और उम्मीद करता हूं इस विद्यालय को एक मंदिर की भांति हम इसमें अपने बेटियों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेंगे और आने वाली पीढ़ियां जो है, हजारों हजारों बेटियां इस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगी। माननीय हुड्डा साहब हमेशा अपनी एक बात में रखते हैं, बेटी पढ़ती है परिवार पढ़ता है, समाज पढ़ता है, देश पढ़ता है। टीकाराम शिक्षा समिति इसी बात को, क्योंकि हुड्डा साहब काम करते पहले हैं, बताते बाद में हैं। मुझे यूं का यूं याद है, खानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उससे पहले किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि यहाँ इतना बड़ा विश्वविद्यालय, इतना बड़ा काम होने जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से टीकाराम शिक्षा समिति चौधरी साहब की इसी दूरदृष्टिता पर कार्य करते हुए आने वाले समय में हमारी बेटियों को बढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी, जो हमारी बेटियां आगे समाज में आगे बढ़ाएंगी और देश को सशक्त बनाएंगी। आने वाले समय में माननीय चौधरी हुड्डा साहब जी का सानिध्य, सहयोग और आशीर्वाद हमारी संस्था को मिलता रहेगा, मैं ऐसा अनुरोध उनसे करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को बुके भेंटकर समारोह में पधारने पर स्वागत करें। जो लोग मेरे बाईं तरफ खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, आपकी बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था है, कृपया बैठिए। अब मैं अनुरोध करूंगा टीकाराम शिक्षा समिति के प्रधान आदरणीय योग्य श्री सुरेंद्र सिंह दहिया जी को संस्था की प्रगति से मुख्यमंत्री और आगंतुक मेहमानों को परिचय करवाएं। माननीय हमारे टीकाराम शिक्षा समिति परिवार के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह दहिया जी, बहुत ही मान सम्मान के योग्य है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुलदीप सिंह शर्मा जी, जो पूर्व में स्पीकर श्री जगबीर सिंह मलिक जी, विधायक जी श्री सुरेंद्र सिंह पवार जी, विधायक जी इंदुराज बालू जी और यहाँ के विद्यार्थी रहे पूर्व विधायक श्री संत कुमार जी, श्री चक्रवर्ती शर्मा जी, संस्था के वाइस प्रेसिडेंट रामचंद्र शास्त्री जी, जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र दहिया जी, रजनीत मलिक जी, पूर्व विधायक सुखबीर सिंह फरमाना जी, निखिल मदान जी, गवर्निंग बॉडी के सदस्य कपूर सिंह नरवाल जी, सुरेंद्र सिंह शर्मा जी और संस्था के सभी प्रधानाचार्य और विशेष तौर पर मैं आज जो हिंदू संस्था है जिसका अभी अभी चुनाव हुआ, उनके सारे के सारे पदाधिकारी, गीता विद्या मंदिर के सारे पदाधिकारी और अन्य जो संस्थाएं हैं, उन संस्था के सभी पदाधिकारी आज पूरे सोनीपत में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग
आज एकत्रित जो हुए जो संस्था को बढ़ाने का काम करते हैं, साथ में पूर्व में विधायक रहे पद्म सिंह जी, गुलाब सिंह जी, अशोक सरोवा जी और सभी के सभी सम्मानित साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कि इस समय में आप पहुंचकर हौसला बढ़ाया। विशेष तौर पर मैं मुख्य अतिथि जी का स्वागत करूंगा कि जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर द गर्ल्स मॉडल स्कूल जो आज बच्चों को समर्पित किया, इसके लिए मैं आप सबका बुड्ढा जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इन संस्थाओं को जिन्होंने स्थापना की, चौधरी टीकाराम जी की प्रतिमा का अनावरण कर, चौधरी ओम प्रकाश दहिया जी की प्रतिमा का अनावरण कर हम सब साथियों का सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है, इसके लिए हम सारी की सारी संस्था और जितने के जितने सदस्य हैं सभी आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उन पुराने, याद करना चाहिए हमें उन सभी का जिन्होंने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हम ऋणी हैं चौधरी मातुराम जी का, हम ऋणी हैं चौधरी टीकाराम जी का और हिंदू संस्था के लाला जय किशन जी का, लाला धनीराम जी का, चौधरी पीरूमल जी का जिन्होंने 1915 में स्थापना की थी मटिंडू में, चौधरी शिवकरण जी का और चौधरी दलेर सिंह जी का जिन्होंने हर बच्चे को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया, उन सभी का मैं आज याद करके बहुत आभार करता हूँ आप सभी के समक्ष। सोनीपत में हिंदू संस्था के श्री राजीव अग्रवाल जी जो संस्था के अभी प्रधान हैं, मैं उनका भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जयकवार जैन का, अनुज मित्तल जी का, राजेश मित्तल जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए जो हमारी संस्था की एक कंस्ट्रक्शन कमेटी हमने गठित की, मैं उनका भी आभार और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राणा जो हमारे प्राचार्य हैं, प्राचार्य हमारे श्री नरेंद्र खत्री जी, आशा जी, राजीव कुमार जी और जो विशेष तौर पर जो लगातार DLF के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, दिनेश चहल जी जिन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशाल भवन बनाने के लिए, विशाल विद्यालय के लिए जहां पर आने वाली अनेक पीढ़ियां, जो विशेष तौर पर गीता मैडम जी का भी जिन्होंने इस गर्ल्स मॉडल स्कूल का निर्माण कराकर आने वाली पीढ़ियों को, बेटियों को शिक्षित करने का जो बेड़ा उठाया, धन्यवाद करूंगा इस गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्यों का जो लगातार मेरा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं और मुझे हर वक्त प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। आज मैं मंच के माध्यम से जितने भी टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य हैं, मैं उन सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि चुनाव में मेरे खिलाफ, मेरी गवर्निंग बॉडी के खिलाफ पर्चा तक नहीं भरा। ये बहुत बड़ा आप लोगों ने हौसला दिया था, बहुत सारे साथी खुश थे कि हमें निर्विरोध चुनने का अवसर मिला, लेकिन उस वक्त मुझे याद थी एक बड़ी जिम्मेवारी, मेरे लिए उस वक्त खुशी का नहीं था, मुझे एक जिम्मेवारी का एहसास था कहीं कोई गलती ना हो जाए। मैं आज मंच के सामने अपने नेता के समक्ष कह रहा हूँ कि ना गलत करूंगा ना गलत करने दूंगा, आप विश्वास रखना, इस संस्था को, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए लगातार काम करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा संस्था के सभी कर्मचारियों का, आप ही तो हो जो सारी की सारी व्यवस्थाएं करते हो, आप जो मिलकर काम करते हो, जो 500 के करीब कर्मचारी हैं, मैं प्रो कर्मचारी मुझे बोलते हैं, मैं कर्मचारी की मेहर करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर इसलिए क्योंकि आप सहयोग करते हैं, आप बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिलाने के लिए दिन रात काम करते हैं, मैं उन सभी के जितने भी 500 कर्मचारी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं उन सभी कर्मचारियों को भी एक बात कहना चाहूंगा कि 10,000 के करीब आपके यहाँ विद्यार्थी हैं और 500 आप कर्मचारी हैं, उन 10,000 विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को,
अब 2 महीने का जो समय है, जो एडमिशन का समय चलेगा, हर पेरेंट्स हर कर्मचारी ये ध्यान करें कि वो 25-25 घर आज सोनीपत के पूरे जिले से आप यहाँ पढ़ते हैं, पूरे जिले के आप कर्मचारी हैं, शहर के बहुत सारे कर्मचारी हैं, हर कर्मचारी हर पेरेंट्स सिर्फ मात्र 25 घर चुन ले जो हर बच्चे को शिक्षित कराने का प्रयास करे। चौधरी टीकाराम की विचारधारा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की विचारधारा को उनको पहचाने का काम करे ताकि हमारा हर बच्चा शिक्षित हो, ताकि हम गर्व से कह सकें कि टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी में बच्चों के संस्कार भी दिए जाते हैं। मैं आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कुलदीप शर्मा जी का, जगबीर मलिक जी विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, और विशेष तौर पर आज मैं मुख्यमंत्री जी का एक विशेष धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि आज सारी सीमाएं बंद हैं और उसके बावजूद इतना बड़ा समय ऐसी व्यवस्था में समय निकालकर गर्ल्स मॉडल स्कूल की जो स्थापना की, जो लोगों बच्चों को समर्पित किया, इसके लिए मैं जहाँ रेडी हूँ। मुझे उस वक्त रात को एक लाइन सुबह मुझे ध्यान आया, मैं आज आपको वो एक बात कहना चाहूंगा कि जब वर्ल्ड वार था और वर्ल्ड वार के अंदर हिटलर ने इंग्लैंड पर जब अटैक किया तो उस वक्त वहां के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने एक लाइन कोट की थी, उसको समझना, जो मैं आज हुड्डा साहब के ऊपर कहना चाहता हूं इस बात के लिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड व्हेन हिटलर अटैक्ड ऑन इंग्लैंड हिज एयर फोर्स डिड हैवी एयर स्ट्राइक ऑन लंदन, मिस्टर चर्चिल द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एड्रेस्ड हिज कंट्रीमैन, ही सेड That may the factories and agriculture work be suspended, but our school must be remain working. Education should not be suffered at any cost. किसी भी हालत के अंदर, चाहे कैसी भी व्यवस्थाएं क्यों ना हो, शिक्षा का, स्कूल का, जो आजकल सरकार, मैं ओपन कह रहा हूँ, स्कूल कभी बंद नहीं होने चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, शिक्षा के महत्व को समझते हुए जो हमारे बड़ों ने, चौधरी पीरूमल जी, जो हमारे टीकाराम जी, जो लाला जैक्सन जी, जो हमारे सारे के सारे साथियों ने एजुकेशन को महत्व समझते हुए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अनेक यूनिवर्सिटियों की स्थापना की, उसी तरह से शिक्षा के महत्व को समझते हुए दिन रात काम करना। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी अपने बेटे बेटियों को, जो लगातार आप लोग पढ़ते रहते हो और एक हौसले के साथ, एक संस्कार के साथ पढ़ते हो, 2 महीने का समय जरूर निकालना ताकि पढ़ाई के साथ साथ 25 घरों में कोई भी बच्चा है शिक्षित ना रहे, ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी, जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुरोध करूंगा माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कृपया मंच पर आए और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं एक स्मारक भेंट करके। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे संस्था के महासचिव श्री भूपेंद्र सिंह दहिया जी से अनुरोध है, आदरणीय प्रधान जी का सहयोग करें। श्री सुरेंद्र सिंह दहिया जी ने शॉल भेंट कर माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सम्मानित किया है। माननीय महासचिव महोदय, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह जी की हुड्डा की एक छोटी सी फोटो जो कि स्वर्णिम धागों से बनाई गई है, एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो कि विधानसभा के महान कार्य में सम्मिलित रहे और हरियाणा और पूर्व पंजाब में मंत्री के तौर पर, एमपी के तौर पर इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया। मैं अनुरोध करूंगा
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा में माननीय चौधरी साहब। आज के समारोह उपस्थित श्री सुरेंद्र दहिया जी, प्रधान टीका राम सोसाइटी, विधायक जगबीर सिंह मलिक जी, पूर्व स्पीकर श्री कुलदीप शर्मा जी, विधायक सुरेंद्र पवार जी, विधायक जयवीर वाल्मीकि जी, विधायक इंदुराज नरवाल जी और मेयर निखिल मदान जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, अपूर नरवाल जी, पूर्व विधायक संत कुमार जी, पूर्व विधायक सुखवीर फरमाना जी व सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, सेक्रेटरी साहब कोषाध्यक्ष जी और जितने मेंबर हैं, मेंबर साहिबान, उपस्थित सम्मानित सभी मेरे सोनीपत और आसपास के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और संस्था के में पढ़ रहे प्यारे बच्चों, और बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ के गए, सभी इस संस्था से जो हैं संबंधित हैं, उपस्थित सभी सज्जनों व दीवियों, देखिए ऐसे उन्होंने चर्चा की शिक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो है हर चीज, सड़क भी बन जाएंगी, पुल भी बन जाएंगे, विकास कर लेंगे, इतनी प्रगति कर चुकी है दुनिया कि सवेरे दिल्ली में नाश्ता करो, दोपहर को लंदन में खाना खाओ और रात को न्यूयॉर्क पहुंच जाओ, सब बहुत विकास। लेकिन आगे कौन सा समाज जाएगा, कौन सा प्रदेश जाएगा, कौन सा इलाका जाएगा, दुनिया में वही आगे जाएंगे जो शिक्षा में आगे जाएंगे, जो शिक्षित होंगे। इस वास्ते शिक्षा का महत्व जो है सबसे ज्यादा है, और ये देखते ही ये जो हमारा इलाका है ये शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। 1910 में कोरोना गांव में एक पंचायत हुई, हजारों आदमी आए उसमें, और ये फैसला किया गया कि भाई यहाँ शिक्षा की संस्था बननी चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे प्रगति करें। 1912 में उसके बाद रोहतक में शिक्षण संस्थान बनी, उसके संस्थापक प्रधान मेरे स्वर्गीय दादी दादा चौधरी माथुराम जी थे, उनके सेक्रेटरी चौधरी छोटू राम जी ने उन्होंने संस्था बनाई। संस्था की लंबी कहानी है, दो संस्था हुई, फिर 26 में एक हो गई संस्था, लेकिन उस संस्था से वो लेकर हम आगे बढ़े और 34 में चौधरी टीकाराम ने यहाँ स्कूल की स्थापना की, और आहिस्ता शिक्षा में काफी चले। महात्मा गांधी 1921 में रोहतक आए, उन्होंने वैस संस्था के अपने जीवन में दो ही शिक्षण संस्थाओं का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है, वार्ता या वैस संस्था रोहतक। तो इस तरह सारे समाज में आज संस्था खड़ी करना और वो करना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि सरकार भी पूरी मदद कर देती है, धनवान भी कर देते हैं। लेकिन जब वो हमारे बुजुर्गों ने वो संस्था बनाई, चाहे यहाँ सोनीपत की चाहे रोहतक की, ये संस्थाएं बनाई जब बहुत कठिन काम था, ये कोई सरकारी मदद नहीं मिलती थी, और मतलब जो फौज में थे या कोई काम करते थे दो आने चार आने चंदा होता था उस टाइम, जब इस तरह करके उन्होंने बहुत दिन रात एक करके ये संस्थाएं खड़ी की हैं। मेरे को यहाँ आज बहुत खुशी है, आगे ये संस्था जिसमें मैं आया हूँ, पहले भी आया, तो टीकाराम ने जिसकी स्थापना करी वो प्रगति कर रहा है, प्रगति पर है। 10,000 विद्यार्थी इस संस्था में है, कोई छोटी बात नहीं, बहुत खुशी होती मेरी आगे। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि ये संस्था दिन दुगनी चार चौगनी रात चार चौगनी तरक्की करे और आगे बढ़े, और जब ही हमारा समाज भी प्रदेश भी आगे जाएगा। ये यहाँ पर भगत फूल सिंह हुए, कन्या विद्या की बात करी, गर्ल्स एजुकेशन की,
भगत पुर जी ने गुरुकुल शुरू किया, केवल 5 लड़कियां थी उससे, मेरे को मालूम है, मेरे को इतिहास का पता है। और मैसवाल में भी गुरुकुल खुला, वहां मेरे स्वर्गीय पिताजी उसके विद्यार्थी रहे। लेकिन जो लड़कियों के लिए उस समय उन्होंने सोचा, समाज की सोच थी कि भाई जब तक लड़की नहीं शिक्षित होगी हम नहीं। लड़की, एक लड़के को शिक्षा मिलती है तो अपने एक परिवार को मिलती है, लड़की शिक्षित होती है तो 2 परिवारों में जाती है, एक जिसमें पैदा हुई उसमें और जिसमें ब्याह के जाए उसमें। तो इस वास्ते लड़कियों की शिक्षा बहुत ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस बात की मुझे खुशी, आज जो गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल खुला है बहुत ही अच्छा, मैंने देखा है बहुत अच्छा तैयार किया है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है और अच्छा कार्य चल रहा है। और यही सोच के कि जो भगत फूल सिंह ने नींव रखी थी 5 लड़कियों से जो गुरुकुल की, उसको मैंने भगत फूल सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, महिला यूनिवर्सिटी बनाई। और देश का प्रथम आजादी के बाद दूसरा पहला दिल्ली में है लेडी हीरोइन, जो केवल महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज है। दूसरा पूरे देश में भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज है जो केवल महिला लड़कियों के लिए, ताकि आगे पढ़े लिखे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आज प्रधान जी को और सारे जिनकी मैनेजमेंट कमेटी है, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल साहबान को, जो शिक्षक है उनको और जो स्टाफ इसमें कार्य कर रहा है उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही शुभकामनाएं रहेगी हमारी कि भी ये संस्था इसी तरह तरक्की करती रहे और हमारे लिए जो भी सेवा हो, जिस टाइम में हो, इस संस्था की सेवा के लिए मैं हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री कुलदीप शर्मा जी, एक्स स्पीकर, MLA चौधरी जगबीर सिंह जी मलिक, MLA जबीर जी, MLA इंदुराज जी, MLA सुरेंद्र पवार जी, XMLA संत कुमार जी, XMLA सुखवीर फरमाना जी, XMLA पदम सिंह दैया जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, HPSC के पूर्व मेंबर भाई सुरेंद्र शर्मा जी, सोनीपत के मेयर निखिल मदान जी, AICC के मेंबर कर्नल रोहित चौधरी जी, कपूर नरवाल जी। और मैं विशेष अनुरोध करूंगा, मोनू हुड्डा जी आए हैं, कृपया मंच पर आए। प्रेम अत्री जी, श्री राजेंद्र टोंक जी, संस्था के पूर्व महासचिव श्री गुलाब सिंह धमाना जी, नवनीत नसीर जी, पूर्व कोषाध्यक्ष जाट संस्था रोहतक, कृपया आए। चौधरी साहब जी के हाथों आपको सम्मानित करवाना चाहते हैं। श्री विजेंद्र अंतिल जी राई हल्के से, पूर्व जिला पार्षद श्री हरिंदर सिंह जी धनखड़, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों लेकर कमलों से आपको शॉल भेंट कर सम्मानित करना चाहते हैं हम। संस्था की ओर से मंच पर मौजूद जनता के प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत। आपने संस्था में स्नेह दिया, सहयोग किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। आज
आप सभी से अनुरोध है ग्रुप फोटो के लिए कृपया ग्रुप फोटो के लिए खड़े रहे एक बार ग्रुप फोटो के लिए कृपया एक सेकंड के लिए रुक जाए सिर्फ ओनली दहा सर 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 आप प्लीज एक बार इसके बाद पदाधिकारी श्री भूपेंद्र दहिया जी रजनीत मलिक जी और गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्य इनके तुरंत बाद मंच पर आए गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्य खोखर साहब हैं आजाद सिंह दहिया जी हैं साहब अपनी गवर्निंग बॉडी के इसके बाद है गवर्निंग बॉडी के इनके बाद है मेयर साहब भी रुके एक्स एमसी भी रुके वर्तमान एमसी भी रुके अशोक सुरवाजी मेरा नाम छूट गया मेरे से गलती से कृपया मंच पर आए अभी गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्य मंच पर मौजूद रहे ग्रुप फोटो के लिए इसके बाद नीचे जो है प्रेजेंट एमसी और एक्स एमसी भी जो है नवीन तवर है पूर्व एमसी जिला पार्षद है संजय बड़वासिया जी राकेश सोदा जी कृष्ण बैयापुर नफे सिंह अटेरना सरपंच शहजादपुर दीपक शर्मा जी विन्नी भारद्वाज कृपा करके मंच पर आए ग्रुप फोटो के लिए प्रवीण तुशीर एक्स एम सी डॉक्टर राकेश कृपा सभी मंच पर आए जसपाल अंतिल भी आए अनूप मलिक जी भी आए जिला पार्षद संत कुमार जी भी आए सुरेंद्र बिराकी जी बता रहे हैं रवि इंदौरा जिला पार्षद जी इसके तुरंत बाद आप सभी से अनुरोध है राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो समय की कमी में यदि कोई नाम नहीं बोला गया है तो माननीय प्रधान जी की ओर से संदेश है जोगिंदर दहिया जी संजय अंतिल जी प्रवीण दोरा जी कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो और जिम्मेदार राष्ट्रगान के लिए राष्ट्रगान के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है हमारी ओर से व्यवस्थित थोड़ा सा जलपान टीकाराम गर्ल्स कॉलेज में जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हिंदू संस्था से आए पदाधिकारी कृपा सुरेंद्र सिंह जी के नजदीक जाएं एक बार
हिंदू संस्था से पदाधिकारी आए हैं, राजीव अग्रवाल जी, जय कुमार जैन जी, अनुज मित्तल जी, कृपया तुरंत जाएं, हमारे प्रधान जी के पास आए। कृपया प्रधान जी ने मुझे मैसेज भेजा है, एमसी जयपाल कल्याण जी आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। जय कुमार जैन जी, कृपया थोड़ा सा जल्दी जाएं। और जलपान की जो है टीकाराम कॉलेज में टीकाराम हॉल में व्यवस्था है, जो मेहमान दूर से आए हैं कृपया करके वहां जाएं। सभी प्राचार्य महोदयों से चीफ गेस्ट फॉर द डे और आप मीटिंग नाउ द टाइम हैज कम दैट आवर चीफ गेस्ट विल अराइव वेरी सून एंड वी विल वेलकम हिम। Yes. Very good students. Very good discipline will be by the students. Yes. Look forward, Bachi. Okay. हाँ बजा रहे हैं देखी जा रही। Today we are gathered here to unveiling the Pratimas of the Chaudhary Tikaram ji and respective Bau ji. For that, our chief guest, Mr. Bhupendra Singh Hooda ji will come and the program will start. Okay. आज सभी हम यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर सभी टीकाराम के छात्र, अध्यापकगण और हमारे माननीय का ये सपना था टीकाराम मॉडल स्कूल। टीकाराम मॉडल स्कूल की स्थापना कर नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। ये स्थानों में इंजीनियरिंग करके देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और जो कि साकार हो रहा है। बहुत जल्द हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर आने वाले हैं और सभी छात्र और यहाँ पर उपस्थित सभी जन उनका स्वागत करेंगे और भव्य स्वागत हम टीकाराम मॉडल स्कूल की। राम जी, जिनका जन्म सोनीपत जिले के मंडोरा गांव में हुआ, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक नेता थे। वे सर छोटू राम के शिष्य थे। चौधरी टीकाराम जी का जन्म सन 1907 पंजाब विधानसभा के विधायक थे और एक पत्रकार लेखक भी थे। वे किसानों से जुड़े मुद्दे काफी मुखरता से उठाते थे। यूनिटिस्ट पार्टी ने अपने वरिष्ठ सहयोगी और संरक्षक जो कि सर छोटू राम जी थे, उनके निधन के तुरंत बाद वे अंग्रेजी में सर छोटू राम की जीवनी के पहले टीकाराम एजुकेशन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना नामी के स्थापना में सरकारी और निजी स्थिति टीकाराम सर छोटू राम की आदर्शों के प्रति समर्पित संगठन है। ये टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्थापित बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर घुमाएंगे और हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। उनका भव्य स्वागत टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से टीकाराम।
यस सर प्लीज सर यस सर थैंक यू मैम थैंक यू का उत्साह बढ़ाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे नन्हे मुन्ने छात्रों के पास जा रहे हैं जो हमारे अलग अलग प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए टीकाराम मॉडल स्कूल की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। कहीं हमारे देश सबसे बड़े लिखित संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान की प्रदर्शनी है कहीं
होते हुए जो बच्चे उन्हें देख कर अति प्रसन्न हो रहे थे, खालसापन उसके पश्चात हमारे बच्चे स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। अत्यंत प्रसन्न टीकाराम मॉडल स्कूल के छात्र द गर्ल्स मॉडल स्कूल की तरफ जाते हैं।